दोस्तों, जंग एक ऐसी अजीब चीज है जो किसी भी ऐसी जगह के लिए लड़ी जा सकती है जहां इंसान का जिंदा रहना तक नामुमकिन है। और इसका बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल है सियाचिन में हुई लड़ाई। दोस्तों, सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां सेनाओं को दुश्मनों से ज्यादा खतरा प्रकृति से है। ये समुद्र से लगभग 22 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ सांस लेने के लिए नॉर्मल मात्रा में ऑक्सीजन तक नहीं है। वहाँ -55 डिग्री वाली ठंड सैनिकों को अंदर से झकझोर कर रख देती है। यकीन मानिए दोस्तों, वहां मौजूद सैनिक अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसका अंदाजा आप घर बैठ के लगा ही नहीं सकते। वहां सैनिकों को एकदम आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति से रोज एक नई जंग लड़नी पड़ती है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद कपकपाती ठंड में चट्टान बनकर सिर्फ भारतीय जवान ही खड़े रह सकते हैं। हड्डियों को गला देने वाली इस ठंड में हमारे जवानों ने सियाचिन फतह किया था, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आप में से जो लोग सियाचिन में हुई लड़ाई के बारे में जानते भी हैं, वो भी इस लड़ाई के कई सारे फैक्ट्स से अब तक अनजान होंगे। दोस्तों, ये कहानी है अदम्य शौर्य, साहस और उन अनगिनत बलिदानों की जिनके बारे में भारत सरकार भी आपको पूरी बात नहीं बताती। तो चलिए, आज आपको बताते हैं कि कैसे हमारे वीर जवानों ने सियाचिन फतह कर ऑपरेशन मेघदूत को पूरा किया। दोस्तों, भारत ने आजाद होने के बाद पाकिस्तान से कई सारे युद्ध किए हैं, जैसे कि करगिल या 1972। हाँ, वो अलग बात है कि इनमें से किसी भी युद्ध की शुरुआत भारत की तरफ से नहीं की गई थी। ये युद्ध भारत के ऊपर थोपी गई थी। इन सभी युद्ध के परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने हैं। इन सब के बाद भी भारत ने कई ऐसे इम्पॉसिबल लगने वाले युद्ध को भी जीता है और दुश्मनों को उनकी औकात दिखाई है। वैसे तो युद्ध कई सारे हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत की। इस ऑपरेशन की वजह से ही सियाचिन वापस पाकिस्तान से भारत के कब्जे में आ सका था। इसलिए आपको इस ऑपरेशन के बारे में शुरू से बताते हैं। दोस्तों, साल 1947 में बंटवारे के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद शुरू हो गया था। इस विवाद को रोकने के लिए 1947 में कराची समझौते का अग्रीमेंट हुआ, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर को भारत और पाकिस्तान के हिस्से से बाहर रखने का फैसला किया गया था। वैसे तो ये भारत का हिस्सा था, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि ये बर्फ के रेगिस्तान से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। यही वजह थी कि जिसके कारण भारत ने इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की। इस एग्रीमेंट के तहत ये भी समझौता हुआ कि इस एरिया में दोनों देशों में से किसी भी देश की चहल पहल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान बातों से कहां ही मानता है, क्योंकि पाकिस्तान को टाइम टू टाइम टॉनिक चाहिए ही होता है, और इस वक्त भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। दरअसल पाकिस्तान सियाचिन के 36,000 स्क्वायर फीट जमीन को हथियाने की साजिश में लग गया था। पाकिस्तान ने साल 1977 और 1978 में यूरोप के कुछ माउंटेनियर को सियाचिन में ट्रैकिंग करने का रजिस्ट्रेशन भी करवाना शुरू किया। दरअसल इस ट्रैकिंग के बहाने पाकिस्तान डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था, ताकि जब मौका मिले वो सियाचिन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का हिस्सा प्रूव कर सके। दोस्तों, भारत को इस बारे में जानकारी तब मिली जब कर्नल नरेंद्र कुमार को कुछ जर्मनी माउंटेनियर के पास नक्शे मिले। इस नक्शे में पाकिस्तान ने सियाचिन के 10,000 वर्ग क्षेत्र को पाकिस्तान में दिखाया था। वैसे दोस्तों, इतने सालों के बाद भी नक्शों के जरिए जमीन को हड़पने का सिलसिला थमा नहीं है। खैर, 17 अप्रैल 1984 को वो तारीख थी जिससे पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन अबबील के लिए चुना सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। इस ऑपरेशन के बारे में भारत को पहले से ही पता चल गया था। जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान यूरोप से भारी मात्रा में ऐसे हथियार और इक्विपमेंट खरीद रहा है जो बर्फीले जगह में युद्ध करने के काम आते हैं, इसके बाद भारत को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की साजिश में है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, सियाचिन के हालातों में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि 20,000 फीट की इस ऊंचाई पर जहां टेम्परेचर -70 डिग्री चला जाता है, वहां ऑक्सीजन की इतनी कमी होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां नमी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है। फेफड़ों में पानी भर जाने के बाद बस एक ही अंजाम होता है, और वो है मौत। इसके बाद सैनिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी 35 फीट स्नोफॉल। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान रात भर किसी एक जगह खड़ा हो जाए तो वो अगली सुबह बर्फ से 35 फीट नीचे मिलेगा। चौंकिए मत दोस्तों, क्योंकि जो आंकड़ा अभी हम आपको बताने वाले हैं, उसे हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के सैनिक
युद्ध में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए होंगे जितना यहाँ की प्राकृतिक कहर से शहीद हुए हैं। आज के टाइम में भी वहाँ मौजूद सैनिकों को सभी तरह की सुख सुविधा और इक्विपमेंट के बाद भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी कई सैनिक इस प्राकृतिक आपदा को झेल नहीं पाते और आखिरकार दम तोड़ देते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त सैनिकों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती होगी। इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिस एरिया का होना और ना होना दोनों ही बराबर है, उस बात के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ पीओके और अक्साई चीन का भी पार्ट है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेता है तो उसे चीन की अच्छी खासी मदद मिल जाती है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी बन जाती। अब आप चीन और पाकिस्तान के मंसूबे तो जानते ही हैं, ऐसे में अगर सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए कितना जरूरी है ये बात तो आप अब समझ ही गए होंगे। दोस्तों, जैसे ही भारत को पाकिस्तान के ऑपरेशन अबबील के बारे में पता चला तो भारत काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि भारत के पास सियाचिन जैसे बर्फीले जगह पर सरवाइव करने के लिए ना तो कोई इक्विपमेंट थी और ना ही जंग लड़ने के लिए कोई हथियार। हम यहाँ पर सियाचिन की स्थितियों के बारे में आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस वक्त के आंकड़े ही कुछ ऐसे थे। मान लीजिए अगर कोई 3 जवान वहाँ जाते थे तो आर्मी ऑफिसर उन्हें पहले ही बोल देते थे कि तुम में से कोई 2 लोग ही वापस लौट कर आओगे। दोस्तों, भारत ऐसी परिस्थितियों में युद्ध तो नहीं जीतना चाहता था, लेकिन युद्ध के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए भारत ने हार नहीं मानी और अपनी सीमित चीजों के साथ ही जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इसी के बाद सेनाओं ने मिलकर एक प्लान को तैयार किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तारीख 13 अप्रैल 1984 तय की गई। यहाँ पर भारतीय सेनाओं के लिए एक चुनौती ये भी थी कि उनकी तरफ से चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी, बावजूद इसके हमारे जाबाज जवानों ने अपने घुटने नहीं टेके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर कई बर्फीले पहाड़ी का समूह है जिसमें ग्योंगला, बिलाफोंट ला और सियाला शामिल है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर प्लान को तैयार किया गया। बिलाफोंट ला पर चढ़ाई की जिम्मेदारी कुमाऊं रेजिमेंट को दी गई और सियाला पर चढ़ाई की जिम्मेदारी लद्दाख स्काउट्स को दी गई। इसके बाद आखिरकार 13 अप्रैल आ भी गया जिस दिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। सुबह 5:15 बजे कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन संजय कुलकर्णी ने इस ऑपरेशन को आगाज किया। उन्होंने अपने एक साथी के साथ चीता हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। ये हेलीकॉप्टर सीधा बिलाफोंट ला पहाड़ पर रुका और जहां से शुरुआत हुई ऑपरेशन मेघदूत की। इसके बाद कई सारे सैनिकों ने पहाड़ पर छोटे और हल्के मशीन गन और रॉकेट के साथ खड़े पहाड़ों पर चढ़ने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन ये चढ़ाई इतनी आसान भी नहीं थी। दरअसल रास्ते में ही एक सैनिक को पल्मोनरी एडिमा नाम की बीमारी हो गई। ये वही बीमारी है जिसमें सैनिकों के फेफड़े में पानी भर जाता है। ऐसे सिचुएशन में बीमार हुए सैनिकों को इलाज के लिए भेजना जरूरी हो गया था क्योंकि जरा सी भी चूक उनकी जान ले सकती थी, लेकिन सैनिकों के लिए वापस जाना भी काफी मुश्किल था। ऐसे में एक ही काम किया जा सकता था और वो था रेडियो द्वारा मदद मांगना, लेकिन यहाँ पर सैनिक इसका भी यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके यूज से पाकिस्तानी सैनिक पहले ही सतर्क हो जाते और उन्हें इस ऑपरेशन का पता चल जाता। ये परेशानी यही नहीं थमी, इसी बीच आंधी और तूफान भी आ गया जिससे भारत का एक जवान शहीद भी हो गया। ऐसे में सैनिकों ने बिना कुछ सोचे विचारे रेडियो से मदद मांगी क्योंकि बाकी के सैनिक अपने साथियों के पार्थिव शरीर को ऐसे ही छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों को रेडियो सिग्नल मिले वो सतर्क हो गए और इस बात की इन्फॉर्मेशन अपने से ऊपर वाले ऑफिसर्स को दे दी। इसके बाद क्या था दोस्तों, ये लड़ाई अब आमने सामने की हो गई। अब दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी। दोस्तों, कुछ सैनिक तो ये भी बताते हैं कि जब बिलाफोंट ला पहाड़ पर सैनिक टेंट बनाकर आराम कर रहे थे तो उस वक्त लांस नायक संजय बाहर पहरा दे रहे थे, तभी कुछ पाकिस्तान के सैनिकों ने उस टेंट पर गोली दागनी शुरू कर दी, जिसके बाद वो लांस नायक संजय ही थे जिन्होंने अकेले अंधाधुंध फायरिंग की और शहीद हो गए। वो शहीद तो हो गए लेकिन उनकी उंगलियां दुश्मनों पर वैसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी। या भले ही आपको इस बात पर थोड़ा भी यकीन ना हो, लेकिन यकीन मानिए, हमारे जवानों के ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। लांस नायक संजय के शहीद होने के बाद उनके साथियों ने आगे का मोर्चा संभाला और इसके बाद 26 पाकिस्तानियों को वही मौत के घाट उतार दिया। इधर बिलाफोंट ला पर फतेह करने के बाद लद्दाख स्काउट्स ने सिया ला पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर सैनिकों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई।
दरअसल पाकिस्तान को अपने सैनिकों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने जिन सैनिकों को भेजा है वो बिला फोर्डला पर फतह कर ही लेंगे, लेकिन ऐसे में उन्होंने अपने सैनिकों के लिए कुछ जरूरी सामान हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा दिया था, जिसे हमारे भारतीय सैनिकों ने इस्तेमाल किया। दोस्तों कहते हैं किसी भी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने जाने अनजाने में भारतीय सैनिकों की मदद कर दी। भारतीय सैनिकों ने सियाचिन ग्लेशियर को हथियाने के बाद वहाँ पर तिरंगा फहराया। हमेशा की तरह भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से अपनी वीरता का प्रमाण दिया। तो दोस्तों ये थी ऑपरेशन मेघदूत की ट्रू स्टोरी, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने हमेशा की तरह अपनी वीरता का परिचय दिया और जीत हासिल की। वैसे आपका इस मिशन को लेकर क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।